नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन के सीक्रेट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जिससे मेरा गार्डन पूरी तरह से इंसेक्ट और पेट से मुक्त है। तो आज मैं ये आपको मेरे सीक्रेट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये जो चार बोतल देख रहे हैं वही मेरा सीक्रेट है। तो दोस्तों, आज मैं ये चारों बोतल में क्या है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो बोतल है ये 3-in-1 पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बोतल में जो भरा है वो है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव निकला। और ये इसकी वीडियो मेरी पहले से ही मौजूद है, अगर आपको वो वीडियो कैसे बनाते हैं तो मैं उसकी डिटेल्स इस लिंक में शेयर कर दूँगा। और ये इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जो चीज़ डाली है उसमें मैंने नीम के पत्ते, एलोवेरा के पत्ते, लहसुन और हल्दी पाउडर जो होता है हमारे किचन में मिलता है वो मैंने डाला है। और ये सभी को मिक्स करके, मिक्सर में पीस करके मैंने ये बनाया है उसे लिक्विड फॉर्म में। तो आप, मैं उसे हमेशा अपने गार्डन में इसका स्प्रे करते रहता हूँ, जिससे मेरे गार्डन में कोई भी इंसेक्ट पेस्ट कोई भी अट्रैक्ट नहीं करता है। और इसे हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइम स्टोर करने से थोड़ी सी बदबू आएगी, लेकिन वो बदबू सिर्फ और लहसुन की ही होगी। तो ये था मेरा पहला इंसेक्टिसाइड। अब मैं दूसरा बताने वाला हूँ, वो है लाइजोल का जो लवेंडर फ्लेवर का जो लिक्विड है जो हम पोछा मारने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो मैं इसका यूज़ मैं अपने गार्डन में करता हूँ, और ये मैं हर गार्डन की हर कॉर्नर में, एम्प्टी वॉल और जहाँ पर हम गमला रखते हैं उसके नीचे, गमले के नीचे, सब जगहों पर मैं इसका स्प्रे करता हूँ, सिवाय प्लांट की पत्ती और सॉइल में मैं इसका स्प्रे नहीं करता। इसलिए मैं उसका डेली सुबह और शाम में अपने गार्डन में मैं दाखिल करता हूँ, ताकि कोई इंसेक्ट आंट वगैरह हमारे गार्डन में ना आए। और इसकी स्मेल काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, जिसके बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसको इसकी स्मेल पसंद नहीं होती, जिसके चलते वो हमारे गार्डन में आना तो दूर, पत्तियों पर बैठेंगे भी नहीं। तो ये मेरा दूसरा इंसेक्टिसाइड था जो मैं डेली यूज़ करता हूँ सुबह और शाम। जिस तरह से हम पोछा मारने करते हैं, इसी तरह से मैं इसे अपने गार्डन में मैं यूज़ करता हूँ। तो आप भी ये करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। अब मैं तीसरा सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो है हल्दी और एलोवेरा को मैंने एक दिन के लिए पानी में मिक्स करके रखा था। एलोवेरा की पत्ती को कटिंग करके मैंने हल्दी डाल के उसका मैंने यूज़ किया था, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये हल्दी, दोस्तों ये लिक्विड 2-in-1 का काम करता है। एक तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है और दूसरा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। एलोवेरा के आप जानते ही होंगे कि उसके अंदर जेल में बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं, जिससे पूरे विटामिन मिनरल सबका गुण उसके अंदर मौजूद होता है। इसलिए मैं हमेशा इसका यूज़ करता हूँ। और आप हल्दी के बारे में तो जानते ही होंगे, वो प्लांट के लिए भी काफ़ी असरकारक होता है और उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं, जिससे वो हमें प्लांट में फंगस से भी बचा। और ये मेरा तीसरा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको चौथा मेरा सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है बेकिंग सोडा का पेस्टिसाइड। दोस्तों, बेकिंग सोडा तो हमारे घर में मौजूद होता है, जो हमारे किचन में मौजूद होता है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। उसके अंदर मैंने क्या डाला है, एक तो मैंने बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला है, अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल भी डाल सकते हैं। और तीसरा मैंने जो यूज़ किया है वो है डिश वॉश और हैंड वॉश, जो भी हमारे पास है वो मैंने उसमें अंदर यूज़ किया, और तीनों को मैंने मिक्स करके मैंने ये पेस्टिसाइड बनाया है। और मैं डेली में इस सभी का यूज़ करता रहता हूँ अल्टरनेट डे पे, इसलिए आप भी अगर ये सब यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये चारों का कैसे बनाते हैं देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी होगी। हाँ दोस्तों, ये जब भी आप यूज़ करें तो हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके ही यूज़ करें, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा प्लांट को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।